नमस्कार, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्ची हल्दी का हलवा, जिसे हम चीनी से नहीं गुड़ से बनाएंगे। और हम सभी को पता है कि जाड़े का सीजन है और जाड़े में हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, खांसी, सर्दी, जोड़ों में दर्द। तो इन सभी दिक्कतों में हमारा जो ये हल्दी का हलवा है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं कच्ची हल्दी का हलवा बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम हल्दी, जो कच्ची वाली हल्दी आती है वो हमने लिया है, और अदरक 200 ग्राम, गुड़ आधा केजी, और ये सरसों का तेल है, घी, काली मिर्च एक चम्मच, अजवाइन एक चम्मच, और ये 2-3 तेज़पत्ता लिया है। इसे चाहे तो आप पीस के भी डाल सकते हैं या फिर आप तेल में गरम कर सकते हैं। और घी और तेल हमने अंदाज से लिया है, जितना आपको ज़रूरत है उतना डालें। और अब इन हल्दियों को हम अच्छे से छील लेंगे। इसे हमने धुल लिया है और धुल के इसका पानी सूख चुका है। अब इसे हम अच्छे से अदरक और हल्दी को छील लेते हैं, और इसे सावधानी से छीलें। इसके छिलके जल्दी नहीं उतरते हैं, आराम से छीलें और सावधानी से छीलें अपने हाथों को बचाकर। इस तरीके से हम सारे अदरक को छील लेंगे और हल्दी और अदरक को दोनों को हम छील लेंगे। और छीलने के बाद इसकी हम पतली पतली स्लाइस, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़ों में हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, और काट के इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो हमने सारे पीस, हल्दी के पीस को और अदरक को काट लिया है। अब काटने के बाद सबसे पहले हम हल्दी को पीसेंगे। हल्दी को हम जार में डाल लेते हैं, 2-3 चम्मच हम पानी डाल देते हैं, जिससे कि हल्दी हमारी अच्छे से पिस जाए। और अब दूसरी तरफ हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के लिए हम बैठा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा समय का बचत होता है। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों का तेल पहले डाला जाता है क्योंकि सरसों में झांस होता है और सरसों का तेल कड़वा होता है, इसलिए हमें सबसे पहले सरसों के तेल को डालना चाहिए और इसे अच्छे से गर्म करें। तो ये देखिए, हमारी हल्दी हल्की दरदरी पिस चुकी है। अब हम इसमें अदरक के टुकड़ों को डाल देते हैं, और साथ में हम आधी काली मिर्च को डाल देंगे और आधी अजवाइन को डाल देंगे, जिससे कि अदरक के साथ अच्छे से काली मिर्च और अजवाइन दरदरी पिस जाए। जब इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और एक चम्मच पानी डाल देते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि इसे हम महीन बारीक पीस लेते हैं। तो ये हमारा पिस चुका है। अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम तेज़पत्ता को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो तेज़पत्ता को भी हल्दी के साथ पीस सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं पीसा है, इसे हमने गरम तेल में डाला है। अब हम अजवाइन को डाल देंगे, बचे हुए अजवाइन को। अजवाइन डालते के साथ ही हम हल्दी को डालेंगे, नहीं तो अजवाइन जो है वो हमारी जल जाएगी। हमारा हल्दी अच्छे से पिस चुका है, और इसे हम सावधानी से तेल में डालेंगे। और डालने के बाद इसे अच्छे से हम चलाएंगे। चाहे तो एक प्लेट की सहायता से इसे आगे लगा सकते हैं, जिससे कि तेल के छींटे आपके ऊपर ना आए। तो ये देखिए, मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि कढ़ाई में चिपके ना। जो हमारा जार में मिश्रण लगा हुआ है उसमें हम 1-2 चम्मच पानी डाल के उसे भी हम कढ़ाई में डाल लेंगे, और इसी तरह से हम लगातार इसे चलाते हुए हल्का सुनहला होने तक भूनेंगे। और बीच बीच में हम देसी घी डालते जाएं, क्योंकि हमने घी पहले नहीं डाला था। देखिए, हमारा जो मिश्रण है वो थोड़ा भारी जैसा चल रहा है, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे, जितनी हमें आवश्यकता है। घी और तेल की मात्रा हमने इसलिए नहीं बताई थी कि अगर आप चाहें तो इसे कम तेल घी में भी बना सकते हैं, और अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आप इसमें ज़्यादा घी और तेल डाल सकते हैं। बस मुझे इतना घी और तेल डालना है कि जैसे हम लोग मसाला जब भूनते हैं तो मसाला भूनने के बाद जब तेल छोड़ता है, उस तरीके से मुझे डालना है। देखिए, हल्दी भूनते भूनते हमारा जो बैटर है वो कितना अच्छा तैयार हो गया है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए, ये हल्का हल्का तेल छोड़ता जा रहा है, और ये एक जगह अब इकट्ठा होने लगा है और कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे।
तो गुड़ डालने के लिए सबसे पहले हम गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अगर गुड़ को हम ऐसे तोड़ेंगे तो हमारा गुड़ जो है वो फैलने लगेगा। तो ये जो हमारा पॉलिथीन है इसी में मैं गुड़ को फैला लेती हूँ और इसे हल्के से दबा के तोड़ लेती हूँ। मेरे पास लोढ़ी है, मैं उसी से इसे तोड़ देती हूँ। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से दबा के तोड़ लिया है और हमारा गुड़ जो है फैला भी नहीं है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और देखिए हमारा ये मिश्रण कितना अच्छा से भुन चुका है। अब हम इसमें आँच को कम करके गुड़ को हम डाल देते हैं। जब तक गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, तब तक हम अपने काली मिर्च को कूट लेते हैं दरदरा, और कूट के फिर हम इसे इस मिश्रण में मिला देते हैं और इसी तरीके से हम इसे चलाते जाएंगे। देखिए इसमें बुलबुले भी आने लगे हैं। ये हल्दी का जो हलवा है वो हमारे शरीर के बैलेंस को बना के रखता है और सर्दी खांसी को हावी नहीं होने देता है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक ख़ास बात और, मैं वीडियो पर डे नहीं डालती हूँ, मैं सप्ताह में एक या दो ही वीडियो डालती हूँ। ये देखिए आपसे बातें करते करते हमारा हलवा अब तैयार हो गया है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे हम ठंडा होने के लिए ढक के रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो एयर टाइट डब्बे में भर के रख दें। और ठंडी का सीजन है, घी तो जम ही जाता है। जब आप खाएं तो इसे हल्का सा कटोरी में निकाल के गर्म कर लें और गर्म करने के बाद गुनगुना करके फिर इसे दूध के साथ सुबह सुबह लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा करेगा। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसे हल्का गुनगुना पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक चम्मच रोज खाइए और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाइए और सर्दी से दूर रहिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।